बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आप देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब चैनल। कमाल कर दिया इंडिया ने, इंडिया बैंग बैंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। कहा था ना न्यूजीलैंड को आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आज के दिन, तो वो इंडिया को पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा ना कर सका। कमाल की क्रिकेट इंडिया की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, के आर राहुल और विराट कोहली। विराट कोहली भाई, विराट कोहली आज अपनी 50वीं सेंचुरी ओडीआई की कंप्लीट कर ली है। दुनिया के ये वाइड बैट्समैन के हिस्से ये बन चुके जिन्हें ओडीआई के अंदर 50 सेंचुरीज कर ली हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया, फिर तोड़ के 50वीं की। कम आज जितनी तारीफ की जाए इस बैट्समैन की उतनी कम है। वर्ल्ड कप में किसी भी बैट्समैन का इन सिंगल एडिशन वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर है 711 कर लिया विराट कोहली साहब ने। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड थोड़ा जो उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में बनाया था 640 प्लस रन बनाए थे उस वर्ल्ड कप में और सिंगल एडिशन इन वर्ल्ड कप में विराट कोहली साहब दुनिया के वो पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 850 प्लस स्कोर किए हैं इन सिंगल एडिशन वर्ल्ड कप में। वो भी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, शाकिब उल हसन का रिकॉर्ड तोड़ा। कमाल का बैटर है यार, कमाल का। जितनी तारीफ की जाए विराट कोहली साहब की कम है। ओवरऑल सेंचुरीज इनकी 80 हैं, तेंदुलकर की 100 है, 20 सेंचुरीज बिहाइंड है। तीनों फॉर्मेट्स की मिला के उसकी 100 हैं, इसकी 80 हो चुकी हैं और उम्मीद है ये तोड़ देंगे, ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे जिस तरह ये चल रहे हैं। 13,764 रन बना चुके हैं, 58.4 समथिंग की एवरेज से। यार एक कमाल प्लेयर है, कमाल। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रोहित शर्मा को देख लें और शुभमन गिल को, इस साल ODI सीरीज के अंदर 14 मरतबा अपनी नीव सेंचुरी की पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया पकड़ गए इन्होंने, आज तो इन्होंने रिकॉर्ड ही बनाया है। और वाइट टीम बन गई है वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर जितने सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा स्कोर किया है नॉकआउट स्टेज के अंदर इंडिया। इससे पहले न्यूजीलैंड थी 2015 के वर्ल्ड कप में, उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ किया था, लेकिन आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हो गए 398 रन का टारगेट दिया। कमाल, जितनी तारीफ की जाए कमाल। श्रेयस अय्यर कमाल खेला, हिटिंग कमाल की हिटिंग उसकी भी भाई। रोहित शर्मा की भी हिटिंग, शुभमन गिल की भी। यार कहा था ना इन्हें पकड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि बस नहीं कर सके। जब न्यूजीलैंड खेलने आती है, पहले 5 ओवर्स न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रही थी, लेकिन जो डेविड कॉनवॉय थे ना वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे इन ग्रीस एट ग्रीस, उनसे कंफर्टेबल होकर नहीं खेला जा रहा था। फिर वो लाते हैं मोहम्मद शमी को, विकेट लगवाते हैं, फिर उसे अगले ओवर में रचिन रविंद्रा को बॉल करे अपने उसे अगले ओवर में। उसके बाद केन विलियमसन और माशाल्लाह से डेरन मिचर की पार्टनरशिप, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है केन विलियमसन और डेरन मिचर की। कहते हैं ना कि मैच में ले आए थे वापस, बेशक 69 स्कोर पे आउट हुए, लेकिन कहते हैं कि बेहतरीन पार्टनरशिप 181 रन की पार्टनरशिप की दोनों ने। मैच एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि अब न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगा, क्योंकि मैं खुद अपने दोस्त से मेरी बातचीत चल रही थी, मैं कह रहा मुझे लग रहा न्यूजीलैंड हरा दे, कह रहा नहीं पागल है 300 में कहाँ चेज कर सकते हैं। मैं कहा न्यूजीलैंड करेगी यार जिस तरह ये खेल रहे हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि हवाओं ने रुख ही बदल दिया। जब ड्रिंक का वफा हुआ सेकंड टाइम दूसरी मतबा, उसके बाद जब न्यूजीलैंड वापस आई, इंडिया वापस आती है, क्या डोमिनेट करती है। रविंद्र जडेजा का वो पहला ओवर ही देख रहे हैं, 31वां 32वां ओवर था, स्विंग कर रहे हैं कमाल। बेशक उस ओवर में 8 स्कोर बने, लेकिन डोमिनेट किया, स्विंग कर रहा था। उस बाद शामी साहब आते हैं, KR राहुल रोहित शर्मा की मीटिंग होती है, शामी को लेकर आते हैं, वो 33वां ओवर था जो मैच टर्निंग पॉइंट था। उस ओवर में से केन विलियमसन को भी आउट किया,
टॉम लैथम को भी आउट किया। टॉम लैथम का तो मेजर रेबल ही है, ये वर्ल्ड कप रहा है, इतना बुरा वर्ल्ड कप रहा है, बेचारा आउट ऑफ फॉर्म ही रहा है, आउट कर गया। और शमी साहब कमाल कर रहे भाई, मोहम्मद शमी, जितनी तारीफ की जाए इस बॉलर की कम है, बल्कि पूरी इंडिया की टीम की जितने बॉलर की तारीफ की जाए कम है। आज लक भी थी उनकी कि ड्यू भी इतनी नहीं पड़ी, बट माइनस ही ड्यू पड़ी, अगर ड्यू पड़ जाती तो स्लो वन का इस्तेमाल ना ज़्यादा कर सकते आज वो, फिर रन देने का चांस होता है। लेकिन एनीवेज आज इंडिया का दिन था, इंडिया ने कमाल बॉलिंग की। अगर हम मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं, मोहम्मद शमी टेक 51 विकेट्स इन 17 ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस, कमाल के 17 मैचों में 51 विकेट्स लिए हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए इंडिया की तरफ से इन वर्ल्ड कप जिन्हें 50 प्लस विकेट्स लिए हैं। वाओ, जितना तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसने मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, 17 मैचेस में इन्होंने ये 51 विकेट्स लिए हैं। कमाल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के अंदर पहले बॉलर बन चुके हैं जिन्हें 5 मरतबा फाइव पर लिया है, 5 मरतबा, इससे पहले मिचेल स्टार्क ने 4 मरतबा लिया था, मोहम्मद शमी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ के 5 मरतबा कर दिया है। अब मोहम्मद शमी ने क्लब ज्वाइन कर लिया है, 7 क्लब, मोहम्मद शमी ज्वाइन सुपर 7 क्लब, इन अ फिट बॉलर इन अ वर्ल्ड कप हिस्ट्री, यानी कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर 5वें बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं इन अ सिंगल वर्ल्ड कप मैच के अंदर। ग्लेन मैकग्रॉ है, टिम साउथी हैं, एंड्रयू बिकल है अगेंस्ट में, उन्होंने इंग्लैंड हासिल किया था ऐसे ही 2003 के वर्ल्ड कप में, मोहम्मद शमी हैं, और एक 1970s-1980s के मैच वर्ल्ड कप का मैच, उसमें एक वेस्ट इंडीज के बॉलर थे उन्होंने हासिल की। लेकिन जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद शमी की उतनी कम है। इंडिया ने पूरी तरह डोमिनेट किया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। न्यूजीलैंड भी अच्छा फाइट बैक किया, बहुत ज़बरदस्त डेरेक मिचेल इनिंग्स के लिए, के विलियमसन ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए, बस वो कहते हैं ना जो 33वां ओवर था मोहम्मद शमी का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसकी वजह से न्यूजीलैंड बैकफुट पर चलेगी, वो फ्रंट फुट पे आ गई, वो बैक फुट पे चलेगी, फिर न्यूजीलैंड कम बैक ना कर सकी। हालांकि न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे की विकेट के बाद बड़ा अच्छा अपने स्लोली बिल्ड पार्टनरशिप की, और 190-181 की पार्टनरशिप बिल्ड करना इतना समय पाना ये सर इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन किया। बस वो मोहम्मद शमी के आवर ने सिनेरियो चेंज कर दिया सारा पकड़ के। जब वर्ल्ड कप का मैच शुरू हुआ ना, बहुत से व्लॉगर्स हो गए, सोशल मीडिया वाले हो गए, न्यूज़ चैनल वाले हो गए, जी इंडिया ने आईसीसी का रूल तोड़ दिया है, इन्होंने आईसीसी का धोखा किया है, पीसी नंबर 7 इस्तेमाल करनी थी, पीसी नंबर 6 इस्तेमाल कर ली, वर्ष व्यापी खबरें चल रही थी। लोग ना किसी की तरक्की को ना देखते हुए खुश नहीं है, जलते हैं, तकलीफ होती है लोगों को, मुझे समझ नहीं आती आपकी टीम ने तो कुछ नहीं किया, उल्टा अपनी क्रिकेट को बर्बाद किया, गंदा होके आए हैं, और दूसरे परफॉर्म करे तो उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उन पर बातें की जा रही हैं, डेली मेल ने कहा ये ने कहा ये ने कहा, अच्छा यार उन्होंने किया जो तुमने करना कर लो, तुम कर भी कुछ नहीं सकते, बस बातें कर सकते हो, बातें ना करो इम्प्लीमेंट करो, वरना भी बातें भी ना करो, करना कराना कुछ है नहीं। आज मुझे वो बॉलर वो लोग नजर नहीं आ रहे जो हमारे एक्स जनरल एक्स स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं और जो से जो भी हैं व्हाट्सएप पर बातें करते थे, हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट लोग भी हैं, फिर वो स्टेटस लगाते हैं मेरे जाने वाले, बॉल चेंज करते हैं, इनके लिए भारी ना बहुत डिफरेंट आती है, पता नहीं क्या करते हैं लोग। प्याज क्यों नहीं, आज भी बॉल चेंज हुई थी, 300+ स्कोर खा लिया उन्होंने चेस के अंदर डिफेंड करते हुए भी, अब भी कहते उन्होंने बॉल चेंज की थी, अजीब बकवासियात, अजीब कब्रिस्तानियाँ, अजीब मंतकें हम पाकिस्तानियों की, करना कराना कुछ है नहीं,
और बातें किए रखना, बातें किए रखो, बातें किए रखो। अगर वैसे इंडिया है ना, इन्होंने समझा जो हमारा दुश्मन मुल्क है, इसे गंदा किए रखो। और यार कहीं तो अच्छी बात कर लिया करो, तारीफ किया करो कि भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, वो एज ए टीम खेल रहे हैं, एज ए वन यूनिट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। आप इतना यारी दोस्तियाँ नहीं निभा रहे, आप इतना छक्के भी नहीं मारे, चौके भी नहीं मारा, आप इतना सेल्फिश होके नहीं खेल रहे, अपना नहीं खेल रहे, अपने पैसों के लिए नहीं खेल रहे, वो मुल्क के लिए खेल रहे। आप मुल्क के लिए खेलते थे आपके प्लेयर्स हो। एनीवेज पाकिस्तान ने, पीसीबी ने बाबर आजम साहब को ना भी हटा दिया, बाबर आजम साहब इस्तीफा ना भी देते कैप्टनसी से, पीसीबी ने हटा दिया था। आपने लास्ट मैंने व्लॉग में सुना, मैंने वो बात की थी, और लास्ट अदर नाइट जियो ने भी ये खबर लॉन्च कर दी थी, यानी ये आ गई थी कि बाबर आजम साहब को इस्तीफा दे देंगे, ठीक है नहीं देंगे तो पीसीबी उन्हें हटा देगा। कैप्टनसी से हटा चुके हैं बाबर आजम साहब को। अगर हम बाबर आजम साहब की कैप्टनसी की सिनेरियो की बात करें, 2019 में वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने थे तीनों फॉर्मेट्स के, उस पर बात कर लेते हैं। बाबर आजम साहब टेस्ट में 20 टेस्ट मैच खेले थे, 10 मैच 10 जीते, 6 हारे और 1.66 का उनका परसेंटेज, यानी विन रेश हो रही है उनकी 1.66 की। अगर ओडीआई की बात कर लेते हैं, 43 ओडीआई में कैप्टनसी की है, 26 जीते हैं, 15 हारे हैं और विन रेश उनकी 1.73 आ रही है। अगर T20 पे बात करें, 71 T20 में कप्तानी की है, 42 जीते हैं, 23 लॉस हुए हैं, उन 33 लॉस के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और विन रेशो आ रही है इसमें 1.82 आ रही है बाबर आजम साहब की। अगर देखा जाए ना, बाबर आजम साहब की ओडीआई कैप्टनसी जो 43 मैच थे और जिनमें से कितने हारे, 15, 5 इसी वर्ल्ड कप में हार गया, ठीक है, 2 आप एशिया कप में हार गए, 7 तो आप इसी साल ही हार गए हो, यानी कि आप उससे पहले छोटी टीमों के खिलाफ खेलते रहे हो बाबर आजम साहब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रॉपर साइड नहीं भेजी थी, सिर्फ टेस्ट के लिए भेजी थी, इंग्लैंड ने अपनी, न्यूजीलैंड ने अपनी, दोनों दफ़ा एक साइड भेजी, एक दफ़ा आप जीत गए थे, एक दफ़ा आप उनसे हार गए थे, प्रॉपर साइड नहीं भेजी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप जो ओडीआई सीरीज जीते साउथ अफ्रीका के अंदर, वो सारे उनके प्लेयर्स आईपीएल खेलने चले गए, उनकी ए टीम थी, आप हरा गए थे। आप जो बड़ी टीमें आई हैं, आप एक्सपोज हो गए, देख लें बाबर आपने कैप्टनसी दी है, छोड़ दी है, कल तक तो आपके डिफेंड में ना इमाम उलक नजर आया, ना शाहीन अफरीदी नजर आया, ना ये चाचा इफ्तखार नजर आया, ना मोहम्मद रिजवान नजर आया, जो आपके बड़े यार दोस्त में हारिस नजर आया, ना शिदाब खान नजर आया, इमाम उलक साहब जो आपके खिलाफ टुक 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 अंडे से खेल होते थे, अब तो आपके भाई के वी लॉग भी नजर नहीं आ रहे बाबर आजम साहब, उन्हें कोई वी लॉग तो बना लो यार, चलो अब जो होना था हो गया, अपनी वी लॉगिंग तो शुरू करो, कोई नहीं आवाम कुछ कहती कहोगे कहेगी तो बर्दाश्त कर लेना भाई। पाकिस्तान की तरफ से शाह मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है, और शाह मसूद टेस्ट के अंदर हमारे कैप्टन है जब तक ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं हो जाता, 2023-24 में होना है वो फाइनल, या 23-24 में 24-25 में ऐसे ही होना है, तब तक एक कप्तान अनाउंस कर दिया गया है शाह मसूद साहब को। उनकी फर्स्ट असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया की है, नेक्स्ट मंथ हमारा ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में पहला मैच है, 3 टेस्ट सीरीज के मैचेस हैं वहाँ, फर्स्ट असाइनमेंट उनकी है, देखते हैं। और T20 का मुझे समझ नहीं आ रहा शाहीन अफरीदी को बना दिया या किस बिना पे बनाया है, मुझे PCB पे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं दिल कर रहा है मैं गालियाँ दूँ, गुल्ला वार दूँ इनके अंदर सुथरा करके, ये किस बिना पे बनाया है। ये वो इंसान है जिसने आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हरवाया, वर्ल्ड कप का फाइनल हरवाया, सिर्फ क्या अपनी अना की खातिर। चलो हसन अली ने सेमीफाइनल में कैच छोड़ी थी, बाकी बोले मैथ्यू वेड को क्या फेंकी थी, फाइनल के अंदर देखो इन्होंने खिलाफ क्रैम्प ही पड़ा जाता, भाई जाता, इंजेक्शन लगवाता, पेन किलर लेता, आता बॉल करता, मुल्क से भर के कुछ नहीं होता। मुनाफिक तरीन इंसान है शाहीन अफरीदी, मुनाफिक तरीन इंसान है। सर सूसर ने उंगल कराई है, आकिब जावेद ने उंगल कराई है, अंदरूनी ताल्लुकात इन्होंने इस्तेमाल के उठा के इसे कैप्टन बना दिया पकड़ के, ये कोई तरीकाकार नहीं है जी। इसने PSL के 2 टूर्नामेंट जितवाए हैं लॉर्ड कलंदर को, एहसान किया है, उनसे पैसे लेके खेलता है ना, मुफ्त थोड़ी खेलता उनके लिए। मैं भी देख रहा हूँ एक सीजन दो सीजन खेल के दिखाएं उनके लिए मुफ्त, मैं भी मान जाऊंगा इतना बड़ा ये वो है दिल वाला। एनीवेज
मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बना दिया है पीसीबी का। अब समझ नहीं आती, मोहम्मद हफीज साहब भी अब कहेंगे जी डायरेक्टर। मोहम्मद हफीज साहब जो विराट कोहली जैसे प्लेयर पे टोन कर रहे होते हैं, माइकल वॉन जैसे पे टोन कर रहे होते हैं, मोहम्मद हफीज साहब उनको डायरेक्टर बना दिया, जिसकी अपनी क्रिकेट भी जीरो थी, जो सिर्फ सेल्फिश क्रिकेट खेला करता था, उसके लिए उसे डायरेक्टर बना दिया। जो विराट कोहली के ऊपर टोंट मारा था कोलकाता वाली इनिंग्स पे, वो बात कर रहे, उसे डायरेक्टर बना दिया, जिसकी अपनी जिंदगी में 50-50 मरतबा नहीं होंगी, वो टोंट करेगा, जिसकी अपनी अभी 32-33 थी वो उसे बना दिया डायरेक्टर। मुझे याद है इसका वो इंटरव्यू जब इसे लॉक के अंदर कप्तान बनाया था, या ये उठा नहीं हुआ था, अरे भाई लिख लो हम वर्ल्ड कप PSL के ट्रॉफी उठा रहे हैं, ट्रॉफी उठा रहे हैं, हम फाइनल खेल रहे हैं, जो ऐसा कुछ इसने कहा था। भाई जान 2-4 मैच हारे, फिर इंजरी का बहाना बना के बाहर बैठ गए, फिर स्क्वाड में नहीं आए, क्यों जी आगे वर्ल्ड कप है, मैंने वर्ल्ड कप खेलना था, आगे वर्ल्ड कप था जहाँ तक मुझे याद है, T20 का याद कुछ जी, मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, भाई जान आए ही नहीं है जी, मैं वर्ल्ड कप से कहीं ड्रॉप भी ना जाऊँ, ये दो लोग हैं ये चलाएंगे क्रिकेट टीम को, ये बना दिए गए हैं डायरेक्टर। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर अपने कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।